आप चमकी बीमारी के बारे में कुछ जानते हैं? चमकी बीमारी मस्तिष्क ज्वर के बारे में जानते हैं? 150 बच्चे मर गए हैं, खासकर बच्चियां, छोटी बच्चियां जो 4 साल के नीचे है, 5 साल 6 साल की, 150 बच्चियां मर गई है, ये सरकार दावा कर रही है। पर लोकल लोगों से बात करने पे पता चला है 300 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं, 300 से ज्यादा छोटे बच्चे जान गंवा चुके हैं। अच्छा, चमकी बीमारी क्या है, कैसे उसके लक्षण पहचानेंगे अगर किसी बच्चे को हो जाए, कैसे उससे बचाव करना है, अपने बच्चे को कैसे बचाना है, और अगर हो जाए तो क्या करना है, वो आपको बताएंगे। 10 मिनट के लिए शांत हो जाइए, बस सुन लीजिएगा, आपके बच्चों के लिए हम आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप टाइम छोड़ के इतने लोग सब लोग आए हो। हम लोग आपको आज ये बताने के अलावा सारे बच्चों को चेक करेंगे कि कहीं किसी को चमकी बीमारी तो नहीं है, और अगर किसी को होगा तो उसका इलाज जो है कैसे करना है वो बताया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी बीमारी आपको होगी, डायरिया हुआ, मतलब दस्त हो रहा है, सांस फूलने का प्रॉब्लम है, चमड़ी का प्रॉब्लम है, आंख में कुछ प्रॉब्लम है, कान में कुछ प्रॉब्लम है, उसका भी जांच होगा और दवा दिया जाएगा, ठीक है। तो चमकी बीमारी जो होती है वो अगर बच्चे को बुखार आने लगे, बुखार आना जरूरी नहीं है लेकिन हल्का बुखार हो चाहे तेज बुखार हो, अगर किसी बच्चे को बुखार आने लगे, वो बच्चा अक बक बात करने लगे, यानी कि चिड़चिड़ाने लगे, बहुत रोने लगे, सामान फेंकने लगे, अम्मा को चुनौती काटने लगे, अपना ही बाल नोचने लगे, सामान जो है उठा के फेंकने लगे, बड़ा अगर बच्चा होगा तो अक बक बात करेगा, भूत प्रेत भी दिखाई दे सकता है। चमकी बीमारी के लक्षण सब बच्चों में अलग अलग होते हैं। अगर जैसे इतना अगर छोटा बच्चा होगा तो ये बच्चा जो है ये दूध पीना छोड़ देगा, दिन भर चिड़चिड़ाएगा, और जब ऐसे रोएगा तो ऐसे कमर करके देर तक रोएगा, समझ गए, दूध पिएगा कम और सुस्त हो जाएगा। अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, मान लीजिए ई उम्र का है, ई उम्र का है, तो ये चिड़चिड़ा हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, खेलेगा नहीं बच्चों के साथ, कोने में कहीं पड़ा रहेगा, उल्टी करने लगेगा, सामान उठा के फेंकने लगेगा, और अम्मा के साथ बच्चे ज्यादा रहते हैं, पिताजी के साथ कम रहते हैं, तो अम्मा को चिंगोटी काटेगा, अपना ही बाल नोचने लगेगा। और अगर बड़ा बच्चा होगा, इस उम्र का मान लो है, तो इसको नींद नहीं आएगा, रात में सोते सोते भी बौआएगा, सामान उठा के फेंकने लगेगा, कहेगा हमको भूत प्रेत दिखाई दे रहा है, पेशाब कम करने लगेगा, समझ रहे हैं। तो हर बच्चे का ऊपर उम्र के साथ साथ थोड़ा बहुत चेंज आता रहता है। इसके अलावा जो है आँख में पीलिया हो सकता है, पेट फूल सकता है, शरीर में लाल लाल चकत्ते दाने पड़ सकते हैं, काले काले चकत्ते दाने पड़ सकते हैं, समझ रहे हैं। आपके ऊपर सूजन हो जाएगा, पैर पे सूजन हो जाएगा, सूज जाएगा, मतलब जैसे थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाएगा, बच्चा कहीं कोने में पड़ा रहेगा, उसका व्यवहार में बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, यानी कि हंसता खेलता बच्चा को जो है शांत हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा कम, थोड़े बच्चे होते हैं ना जिद्दी होते हैं, वो बच्चे भी शांत हो जाएंगे। झटका आ सकता है, झटका जो है कई तरह का होता है, ये मत समझना कि जब ऐसे ऐसे करता है तभी झटका होता है,
झटका, ये छबकी बीमारी का झटका जो है वो ऐसे आग पलट लेगा तब भी झटका है, मतलब ऐसे पड़ के आग पलटी रहेगी तब भी झटका मार जाएगा ऐसे, समझ रहे हैं? बुलाओगे अरे बबुआ अरे बबुआ अरे बबुआ, वो जवाब नहीं देगा। अगर उसका हाथ हाथ पर ऐसे टाइट हो सकता है, एक हाथ ऐसे टाइट हो सकता है, खेलते खेलते बच्चा जो है गिर सकता है, बेहोश हो सकता है, मतलब बुलाने पे तुमको आवाज नहीं करेगा, समझ रहे हैं? तो ये झटका आ सकता है, कोमा में जा सकता है, बेहोशी हालत में जा सकता है। तो फिर से दोहराएंगे कि बुखार आ सकता है, अकबक बात कर सकता है, झटका आ सकता है, खाना पीना छोड़ सकता है, उल्टी बार बार आएगा, पेशाब कम हो जाएगा, शरीर में सूजन आ जाएगा, शरीर में लाल लाल चकत्ते दाने पड़ जाएंगे, गाड़ी थोड़ा आगे लगा लीजिए, गाड़ी आगे लगा जा सकता है, गाड़ी आगे लगा लीजिए। समझ रहे हैं आप लोग क्या कह रहा हूँ? अगर ऐसा कोई लक्षण आपके बच्चे में होता है, कोई बच्चा हो, चाहे 15 साल का बच्चा हो, चाहे 1 साल का बच्चा, अगर ऐसा कोई लक्षण होता है तो आशा के पास जाएंगे, ANM के पास जाएंगे, जो आपके आसपास जो है PSC जो हॉस्पिटल होगा वहाँ जाएंगे। झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाइएगा, झोला छाप डॉक्टर आपके बच्चे को पानी चढ़ा देता है तो दिमाग मस्तिष्क ज्वर में चलती बीमार में दिमाग सूजा रहता है, जब पानी और चढ़ा देता है तो दिमाग और सूज जाता है, बच्चा मर जाता है। तो आपके पास जो है मुजफ्फरपुर में श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ जाइए, केजरीवाल हॉस्पिटल है वहाँ जाइए बच्चे को लेकर। और ये भी बात बता दे रहे हैं कि कभी कभी टाइम नहीं देता है, बहुत जल्दी जो है बच्चे का डेथ हो जाता है, मतलब सुबह बीमार पड़ा शाम तक खत्म हो जाएगा, ऐसा भी होता है, उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई भी ऐसा लक्षण मिल रहा है तो फौरन लेके भागना है, उसमें देर नहीं करना है, इन्हें कि गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने बोला है कि अगर अब आप अपनी गाड़ी से आ जाते हैं तो 400 रुपया हॉस्पिटल से मिल जाएगा आपको गाड़ी का पैसा। अब ये तो होगा लक्षण, हमारे बच्चे को ऐसा बीमारी ना हो उसके बचाव क्या करेंगे, कैसे अपने बच्चे को बचाएंगे? तो उसके लिए सुनिए, बातचीत नहीं सुनिए इधर आप लोग सारा आदमी नहीं बात सुनिए, आपको बता दे ऐसा कुछ नहीं है, लीजिए अपने बच्चे को आप खिला सकते हैं, गाड़ी साइड करवाइए। बस ये देखना है कि लीची जो है उसको छील लीजिए, अच्छी तरह धो लीजिए और देख के खाइए, कोई कीड़ा तो नहीं, लीची खाने से चर्बी बीमारी नहीं होता है। लीची अगर दिन भर खाए रहेगा, रात में सोने से पहले मीठा खिला दीजिए, रोटी खिला दीजिए, चावल खिला दीजिए, उसको कुछ नहीं होगा। सफाई मतलब नहाना, बच्चों को नहलाना जरूरी है, लैट्रिन करने के बाद हाथ धुलवाना है, खाना खाने के पहले हाथ धुलवाना है, खाना खाने के बाद हाथ धुलवाना है, कपड़ा रोज बदलना है, कपड़ा दुइये जोड़ी कपड़ा हो लेकिन एक जोड़ी आज पहनाओ तो कल दूसरा जोड़ी आज धुल दो कल उसको दोबारा पहनाने समय है, धुला हुआ कपड़ा पहनाना है। टीका जो लगता है, जापानी बुखार का टीका लगता है, सरकार उसको लगवाती है, उसको हर बच्चे को लगवाइए, 6 महीने से 65 साल की उम्र तक टीका लग सकता है, टीका लगवाना जरूरी है, घर में साफ सफाई रखना जरूरी है, आपके घर के आस पास अगर कूड़ा कचरा हो, मतलब गंदगी हो, नाली भट्टी हो, मच्छर बहुत हो, तो अपने सरकारी पंचायत के मुखिया से उसे कहिए सफाई कराए, हमारा बच्चा मर जाएगा अगर आप सफाई नहीं कराएंगे तो हम आंदोलन करेंगे, सफाई आसपास बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? बच्चे को बासी खाना नहीं देना है, पूरा कपड़ा पहनाना है, मच्छर काटने से भी चमकी बीमारी हो सकता है, पूरा कपड़ा पहनाना है, मच्छर मक्खी से बचाना है, और बासी खाना नहीं पिलाना खिलाना है। अगर दूध दे रहे हैं तो जितनी बार दूध दे रहे हैं उतनी बार दूध को खौलाओ, चाहे पानी मिला के, पानी को खौला के ठंडा करके
आप पिलाइए, पानी को खौलाने से उसके अंदर के कीटाणु मर जाते हैं। उसको चाहे नल का लेके आओ, चाहे घर में आरो वाटर होगा, आरो वाटर का पानी खौलाने उसको पिलाना है। फल पिलाना जरूरी है, फल पिलाना जरूरी है, समझ रहे हैं? केला, सेब, संतरा, पपीता और ऐसा कोई फल नहीं है जिसको मनाई है, ठीक है? समझ में आया? कुछ समझ में आया? बोलिए, फंस के बोलिए। कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, अगर कोई दिमाग में ऐसा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा प्रश्न है जो चमकी बीमारी के बारे में या बीमारी के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, ठीक है? ठीक है अम्मा, समझ में आया? बच्चे को साफ सुथरा, साफ सफाई से आधी बीमारी दूर, टीका लगाना है, खाना पिलाना है। हमें पता है कल हम गाँव गए थे, मनकी गाँव मेकरी, वहाँ पे 200 परिवार के पास पेट भर खाना भी नहीं था, समझ गए? तो हम आपसे ही नहीं कह सकते पेट भर खाना खिलाओ बच्चे को। जो दिल्ली और जो लखनऊ में रोज नेता बन जाते हैं उनको तो गरीबों से मतलब नहीं होता है, और चमकी बीमारी से गरीबी मरता है, कोई अमीर का बच्चा नहीं मरता है, सब गरीब के बच्चे मरते हैं। मस्तिष्क ज्वर हो, चाहे लौकी बीमारी हो, चाहे चमकी बीमारी, ये गरीबों की बीमारी है, गरीबी मरते हैं क्योंकि उनको टीका नहीं लग पाता, उनको खाना सही से नहीं मिल पाता है। लोग दिल्ली में बैठे बैठे एक एक दिन का होटल का 50,000 रुपए लेते हैं। एक अभी निकला था भारत में 30,000 किलो खाना रोज बर्बाद होता है, शादी में फेंक दिया जाता है, गरीब को खाना नहीं होता। बहरहाल ये सब बातें बात का है, अभी जरूरत है कि अपने बच्चों को सफाई कराइए, और जो छोटे बच्चे हैं उनके माँ बाप से वो माँ से बोलूँगा कि 6 महीने तक सिर्फ अपना दूध पिलाइए, उसके बाद खाना खिलाना जरूरी है। अगर 8 महीने 7 महीने का बच्चा सिर्फ माँ का दूध पीता है तो वो भी कुपोषण का शिकार हो जाता है, जब कुपोषण का शिकार हो जाता है तब भी चमकी बीमारी हो जाती है। अगर 1.5 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा 1-1 लीटर दूध पी रहा है, उसकी वजह से भी बीमारी होती है। दूध जो है 400 पाव बरसा बस नहीं देना है, खाना खिलाना, चावल दाल रोटी सब्जी खिलाना बच्चे को जरूरी है। छोटा बच्चा है तो दलिया खीर, समझ रहे हैं, सेवई जो भी आप दे सकते हो, रोटी दाल में बीज के गाढ़ी दाल वो देना है, दाल का पानी नहीं पिलाना है, दाल के पानी में कुछ नहीं। 2 साल के बाद दूध बंद कर देना है, 2 साल से ऊपर अगर आप दूध पिलाते हैं बच्चे को तो आप बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं। माँ का दूध बाहर का गाय भैंस का पिला सकते हो, लेकिन माँ का दूध 2 साल तक पिलाना है, उसके बाद 2 साल के 1.5 साल के बाद। जितने भी बच्चे ये भूरा बाल होता है, जितने बच्चों का भूरा बाल है ये दर्शाता है कि ये कुपोषण का शिकार है, कुपोषण जिसे वो बच्चा है। सब बच्चों को ये बाल, आपका बाल देखिए, इसका बाल, जो बच्चे कुपोषण का शिकार यानी सूखा रोग होता है उसको सबसे पहले बाल जो है उसका हल्का हो जाएगा, पतला हो जाएगा और भूरा कलर का हो जाएगा। कुपोषण होने से सारी बीमारी हो सकती है, टीबी का भी बीमारी हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है, चमकी बीमारी, बहुत बीमारियां हो सकती है। तो अगर आपके बच्चे का ये मत समझिए कि भूरा बाल हो गया तो अच्छा हो रहा है, भूरा बाल पहला निशानी भगवान देता है कि पहचान लो तो तुम्हारा बच्चा जो है वो कुपोषण का शिकार होने जा रहा है, तो उसके लिए उसको डॉक्टर को दिखाओ, खाना खिलाओ, विटामिन दो, तब जाके सही हो पाता है, समझ गए? कुछ और पूछना है? अब ये देखो बच्चा है, इसका चमड़ी कैसा हो गया, ये इसलिए कि इसको
अब ऐसे समझ लीजिए कि विटामिन का कमी हो रहा है, जिसकी वजह से चमड़ी इस तरह हो गया। तो अभी रिपोर्ट आया है कि हमारे सब बच्चे जो गरीब गांव में हैं, सब कुपोषण का शिकार है। इनको बोलिए, ये देख रहे हैं लोग। जिसको चार को पांच को बच्चा है सर, तो कहाँ से लाएगा? कोई नौर नामदानी है तो अपना पेट चलाएगा कि दुख बीमारी देखेगा कि बच्चा के देखेगा? ऐसे बोले हम लोग तो गरीब आदमी, रोज कमाने खाने वाले, कहाँ से हम लोग धूप में उतना काम आया जेबे न करो। अब तो धूप में तो मना भी कर दिया गया, धूप में लू से मर जा रहे हैं लोग। 10 दिन 12 दिन चारों बच्चा को ठीक नहीं हो रहा है। चलिए अभी दिखा लीजिएगा यहाँ पे, आप चारों बच्चों को बच्चा का दिखा रहे हैं सर, रोज जाते हैं 400-500 लोग जाते हैं, बच्चा ठीक नहीं होता है। आपको कुछ कहना है? आप सुन रहे हैं दूर, अभी इन्होंने कहा कि हम वो शब्द भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम उस जाति के हैं इस वजह से हमारे पास गरीबी है। मैं आपको बता दूं, चाहे हम टाई पहने और चाहे दिल्ली में जो लोग बैठे हैं करोड़ों रुपया खर्च करते हैं रोज, बड़े बड़े होटल में रहते हैं, एसी में रहते हैं, वो लोग भी भारत के अधिकार आपको भी उतना ही, संविधान से बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिया है, आपको भरपेट भोजन मिलने का अधिकार दे चुके हैं, आपको स्वास्थ्य का अधिकार दे के गए हैं, आपको बोलने का अधिकार दे के गए हैं। आप बोलते नहीं हो, आप एकजुट नहीं होते हो, इस वजह से वो लोग राज करते हैं। आपको सारा अधिकार है, हर बच्चा चाहे ये बच्चा हो, चाहे ये बच्चा हो, चाहे आप लोग सुनिए, चाहे ये बच्चा हो, डॉक्टर साहब की बात को सुनिए, अधिकार बाबा साहब ने समानता का दिया है, हम सब एक हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, और हमारी ये जमीन हमारे बाप दादा ने और 3 महीने करके आजादी दिलाई है। चलिए पानी बरसने वाला है, बात खत्म करेंगे, पानी बरसने वाला है। सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, सरकार सोई हुई है, सरकार अंधी हो गई है, सरकार गूंगी हो गई है, सरकार बहरी हो, पर भगवान ने आज सुन लिया, भगवान ने आज सुन लिया है। कहते हैं ये चमकी बीमारी जो बिहार का है, जैसे ही धरती पे पानी बरसेगा ये वायरस खत्म हो जाएगा, तो बस ये ऊपर वाले अल्लाह ने सुन लिया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।